गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से अ ग्रेट थैंक्स टू माय रिस्पेक्टेड सर हु हैज गिवन मी अ गोल्डन चांस स्पीक ऑन पोडियम। गाइस, आई वुड लाइक टू शेयर माय ओपिनियन अबाउट 26 ऑफ जनवरी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। जी हाँ, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आजादी का सही मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की। हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हमारा जन्म आजाद भारत के अंदर हुआ। यूं तो आजादी की लौ 1847 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करा लाई। पास्ट प्रेजेंट ऑफ इंडिया के एग्जाम्पल से यह बात साफ करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के घेरे में फंस चुके थे तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे पर टोले के टोले उमड़ाते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चल जाते थे और तब भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते। क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति साबित करने की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 75 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो गए थे कि सुहाग भी गया, प्यार भी गया, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोटक हुआ साहब के जिस्म की कई बूटियां चली गई। जब घर के ये हालात हो जाते थे तो माँ अपने बेटे को खत लिखती थी, कह मेरे बेटे एक कदम भी पीछे न हट जाना, एक कदम भी पीछे न हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन अब देश मर जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, मरने या मिटने की बात नहीं करता। मेरी सोच और मेरे विचारों के अनुसार अगर कोई इंसान पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ अपना काम करता है तो वो सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंग लेना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में झंडा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा आप सभी से कि फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे नंगे पांव में ट्रैफिक की छाव में सड़क पर झंडे बेच रहे हैं, क्या ये उनकी देशभक्ति है? जी नहीं, ये उनकी देशभक्ति नहीं है, बल्कि ये उनके पेट की भूख की शक्ति है जो उन्हें ये करने पर मजबूर करती है। न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो खाने के निवालों को जानते हैं। हमारे परिवार हमारे समाज के लिए संपूर्ण का उभार है हमारी सच्ची देशभक्ति। हमारी सच्ची देशभक्ति ही हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये बात जान सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरी है। चार बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने हमारे देश का करियर खराब करके रख दिया, हमारे देश को तहस नहस करके रख दिया। मैं आपको बता दूं कि आज भी महिला सुरक्षा के मामले में हमारा देश 4th नंबर पर आता है। मजदूर को साहब मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और मजदूर को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हो तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान दीजिए, ताकि कोई किसी जीते हुए को जीवन दान मिल सके। नए सरकार मिली है
न ये बड़ा सा नाम मेरा है, न ये सरकार मेरी है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का वजूद है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये हिंदुस्तान है। मैं आपको बता दूं कि हमारी शिक्षा नीति केवल दो इंसानों के लिए बनती है, एक वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है, एक वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। हम आज भी ऐसे समाज में जी रहे हैं, हम आज भी ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं छप्पन भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं छप्पन भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर दिन रात हिफाजत करने वाले हमारे उन नौजवानों को और पुलिस प्रशासन को, और खास तौर पर उन किसानों को जो आज के दिन भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस सरकार के सामने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो गुलामी, जो आजादी के जमाने में भी गुलामी की सोच रखती है और जो जनता का नहीं बल्कि अपना पेट भरती है। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब मैं अकेला नहीं बल्कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने। और मैं इन चंद बातों पर अपनी स्पीच को खत्म करना चाहूंगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए एक्साइटेड के साथ। थैंक यू सो मच।